तुझे देखा तो ये जाना सनम। आज बोलते हो ना कि ये फिल्म हॉलीवुड की कॉपी है, बॉलीवुड तो टट्टी है, ये सीन तो हॉलीवुड के वहां से चुराया गया, ये सीन तो हॉलीवुड के इस मूवी से लिया गया। कोई भी फिल्म बॉलीवुड में अगर अच्छी आती है तो लोग जो हेटर्स है ना बॉलीवुड के, वो ढूंढने लगते हैं, टप 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 इंटरनेट पे जाती है बातें, और ये देखते हैं कि ये किस फिल्म से चुराया गया। अगर कोई पोस्टर रिलीज हो जाता है तो उसको फट से इंटरनेट पे डालते हैं और देखते हैं किससे टैली करता है। मतलब कॉन्टेंट क्रिएशन ऐसा है कि लाइक वो लोग अपने आप में कॉन्टेंट निकालते रहते, क्योंकि उनको इस बात की जल्दी नहीं है कि हम बॉलीवुड को डिफेम कर रहे हैं, लेकिन इस बात की जल्दी है कि भाई कहां से कॉपी गई है, बॉलीवुड की इतनी कैसे हिम्मत की इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं। जैसा अभी हमने कल की मूवी में देखा कि लाइक मूवी बनी और लोग रेफरेंसेस निकालना शुरू कर दिए कि ड्यून से कॉपी है, इससे कॉपी है, उससे कॉपी है। अरे भाई इंस्पायर्ड है। और रही बात कॉपी की, तो मैं कुछ फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा जिसे हॉलीवुड ने हूबहू कॉपी किया है और प्रॉपरली रीमेक किया है। नहीं पता ना, शॉकिंग लग रही है बातें। मैं बताता हूँ कुछ फिल्मों के नाम। जैसे पहली मूवी हमारी डर, डर शाहरुख खान और सनी देओल की मूवी, वो तो याद ही होगा ना, किरण। जी हाँ, जो डर मूवी थी किरण वाली, वो फिल्म आई थी हमारी 93 में शाहरुख खान की, जिसमें काफी धमाका किया था, इंडस्ट्री में तोड़फोड़ मचा गया था। क्या आपको पता है कि हॉलीवुड ने इस फिल्म को कॉपी किया 1996 में, जिसका नाम था फियर, सेम इंग्लिश वर्जन डर का, फियर उन्होंने बनाया था, और उन्होंने भी काफी पैसे बटोरे हैं बॉलीवुड की फिल्म को कॉपी करके। हमारी जो दूसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है वेंसडे। वेंसडे वही जो एक कॉमन मैन की फिल्म थी, इसमें अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह थे। काफी बेहतरीन फिल्म थी, लो बजट में बनी थी, लेकिन फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले थे। क्या आपको पता है कि ये फिल्म 2008 में बनी थी और ठीक 5 साल के बाद अ कॉमन मैन, मतलब इसमें जो स्टोरी थी अ कॉमन मैन की, उसी नाम से उन्होंने अ कॉमन मैन के नाम से 2013 में इस फिल्म को रीमेक किया था और इस फिल्म को पूरे हूबहू उतारा था और उन्होंने पैसे बटोरे थे। लेकिन ये सारी चीजें आपको नहीं पता होगी। अभी यह सिलसिला यही खत्म नहीं होता, 10 फिल्में ऐसी, लेकिन मैं इसमें टॉप 5 फिल्मों को इंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट फिल्म जो हमारी है वो फिल्म है जब वी मेट, वही शाहिद कपूर और करीना कपूर की मूवी, जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी इम्तियाज अली की, के गाने काफी हिट हुए थे, लव स्टोरी काफी हिट हुए थे, अभी भी लोगों के जुबान पे है। ये फिल्म आई थी 2007 में और ठीक 3 साल के बाद हॉलीवुड वालों ने इसे कॉपी किया था। 2010 में फिल्म बनाई थी लीप ईयर के नाम से और उन्होंने पैसे बटोरे थे। ऐसा नहीं है बॉलीवुड ही हॉलीवुड की कॉपी करता है, हॉलीवुड भी बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों को कॉपी कर चुका है। खैर अभी इंटरनेट इतना आगे बढ़ चुका है तो लोग उसे जान रहे हैं, लेकिन उस समय इंटरनेट नहीं था, चोरी चोरी छुपे छुपे सारा काम हो जाता था। और इवन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बॉलीवुड ने हॉलीवुड की कॉपी नहीं की है, बहुत सारी फिल्में हैं जिसे लाइक बॉलीवुड ने भी हॉलीवुड से कॉपी किया, पहले ये चलता रहता था। लेकिन अगर आप अभी की बात करते हो तो आज की बात नहीं है। हमारी जो नेक्स्ट फिल्म है वो है रंगीला। रंगीला वही जो आमिर खान की थी टपोरी वाली, काफी ज्यादा फेमस हुई थी वो फिल्म उस टाइम पे, जैकी श्रॉफ भी उस फिल्म में थे। ये फिल्म आई थी 1995 में और ठीक 2004 में 9 साल के बाद इस फिल्म को हॉलीवुड ने कॉपी किया था विन अ डेट के नाम से। ये फिल्म डेट पे ही शुरू हुई थी रंगीला मूवी, और ठीक उन्होंने लाइक नाम भी ऐसा रखा है जैसा कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट हो। खैर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट फिल्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान खुराना की जो फिल्म आई थी विक्की डोनर 2012 में आया थी और ठीक उसको कॉपी किया गया था हॉलीवुड में डिलीवरी मैन के नाम से 2013 में। ये फिल्म भी बिल्कुल ही सेम फिल्म थी और पूरा का पूरा उन्होंने कॉपी पेस्ट किया था हॉलीवुड वालों ने। हॉलीवुड के बारे में इतनी आजकल बुराई हो रही है कि रहा नहीं जा रहा है। क्या आपको पता है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड बिल्कुल एक ही टाइम पे आए हुए इंडस्ट्री है? ऐसा अगर आपको लगता है कि हमारा देश काफी पीछे है फिल्म मेकिंग में, बिल्कुल नहीं। पहले की फिल्में हमारी क्लासिक होती थी, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ी रोमांटिक फिल्में ज्यादा बन रही है। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड फिल्में अच्छी नहीं बना रहा है, बॉलीवुड बहुत अच्छी फिल्में कर रहा है। और बॉलीवुड में क्या है कि डायरेक्टर थोड़े कॉमर्शियल हो गए हैं, तो इस तरीके से जो अच्छी फिल्में बॉलीवुड में आ रही है ना, वो फिल्में थिएटर में कमाल नहीं कर पा रही, आ रही है 2 दिन में उतर जा रही है, ऐसी फिल्में आप देखते नहीं हो। ऐसी फिल्मों को सर्च करो और देखना शुरू कर दो, तब आपको पता चला कि बॉलीवुड भी कमाल की फिल्में बनाता है। मैंने बहुत सारी मूवी रिकमेंडेशन की वीडियो चैनल पर डाली हुई है, जाके उसे देखो जरूर, कैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों के बारे में मैं बात करता हूँ। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।